रामपुरा विस्तार में आवेल मदरेसा मोहम्मदिया में वार्षिक जलसा कार्यक्रम योजायो। जलसा में 180 छोकरा अने छोकरीओए भाग लीधो। इस्लाम धर्म में दुनिया की तालीम साथ इस्लामी तालीम खूब ज महत्व है, जेथी बाळकों ने नानपणथी इस्लामी तालीम माटे मदरेसा में मोकलवामां आवे छे। सूरत शहरना रामपुरा विस्तार में आवेल किमियागर मस्जिद खाते मदरेसा मोहम्मदिया में वार्षिक जलसानु आयोजन करवामां आव्युं हतुं। आ जलसा में मदरेसाना कुल 180 छोकरा अने छोकरीए भाग लीधो हतो, जेमां 70 छोकरा अने 110 छोकरीओए इस्लामी कृतिओ रजू करी हती। आ तमामनो उत्साह वधारवा इनामो वितरण करवामां आव्या हता। आ कार्यक्रममां मदरेसामां अभ्यास करता बाळकोना वालीओने पण आमंत्रित करवामां आव्या हता। आ साथे ज आसपासना विस्तारमां रहेता लोकोने पण खूब ज मोटी संख्यामां कार्यक्रम निहाळवा उपस्थित रह्या हता। किमियागर मस्जिद अने मदरेसाना ट्रस्टीओ द्वारा खूब ज सरस आयोजन करी बाळकोनो उत्साह वधारी तेमने प्रोत्साहित कर्या हता। કેમેરામેન હકીમ શેખ સાથે વસીમ હાસમીનો રિપોર્ટ, આઝાદ ન્યૂઝ, સુરત। ત્યારે ભાઈ જે ત્યાં મેં આપસે કુછ સવાલ પૂછના ચાહતા હું કે આપ જવાબ દોગે। જી હા, મેં આપકે સારે સવાલો કે જવાબ દેને કી કોશિશ કરૂંગા। સવાલ કુરાન શરીફ પર જવ અઝાન શરૂ હો જાય તો ક્યા કરે? જવાબ, જબ અઝાન શરૂ હો જાય તો ઉતની દેર કે લિયે સલામ કલામ ઓર તમામ કામ બંધ કર દે, યહાં તક કે કુરાન પઢના ભી છોડ દે ઓર ગૌર સે અઝાન સુને। सवाल के अजान हो जाने के बाद भी अजान का जवाब दिया जा सकता है? जवाब, अगर अजान के वक्त जवाब ना दिया हो और ज्यादा देर ना गुजरी हो तो जवाब दे सकते हैं। सवाल, जो अजान के वक्त बातें करे उसका क्या हुक्म है? जवाब, जो शख्स अजान के वक्त बातें करे उसका खात्मा बुरा होने का अंदेशा है। सवाल, के अजान सिर्फ नमाजों के लिए दी जा सकती है? जवाब, जी नहीं, बल्कि इन वक्तों पे अजान देना मुस्तहब है। पहला, बच्चे की पैदाइश के वक्त, दूसरा मिर्गी वालों को जब दौरा पड़े, तीसरा मुसीबत के वक्त, चौथा मैयत दफन करते वक्त, पांचवा मैयत दफन करने के बाद, छठा जंगल में रास्ता भूल गए हो और बताने वाला कोई ना हो, इन जगहों पर अजान देना मुस्तहब है। सुभान अल्लाह, आपने अजान के मुतल्लिक बहुत अच्छी मालूम दी। अल्लाह पाक हम सबको अजान का अदा करने की तौफीक दे। पूरी कोशिश करूंगा। सुलेमान अलैहि सलाम है जो 3 मील दूर से ही झूठों की आवाज़ सुनकर मुस्कुराया करते थे। वो जनता की उतनी चीज न पीती है जो अपनी बारी आने पर तालाब का सारा पानी पी जाती है। ईमान किसे कहते हैं? अल्लाह ताला की नाफरमानी मालिक की नाफरमानी है। इस हदीस से पता चलता है जो अपने माँ बाप को खुश रखता है, जो शख्स माँ बाप की फरमा बरदारी करता है तो अल्लाह ताला भी खुश होता है, और जो माँ बाप को तकलीफ पहुँचाता है, माँ बाप का हुक्म ना माने, माँ बाप का अदब ना।
Yeah.